जिंदगी न केवल सांसों का खजाना है, जिंदगी न केवल जीने का बहाना है। जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का। जिंदगी का काम सूरज को उगाना है, जिंदगी का काम सूरज को उगाना है। प्रत्येक महापुरुष अपने समय का एक क्रांतिकारी अजय योद्धा होता है। देश और समाज में फैली हुई बुराई को देखकर उनकी अंतरात्मा दया द्रवित हो उठती है। कालचक्र के ऐसे ही विषम समय में एक महापुरुष इस भारत भूमि पर अवतरित हुआ, जिसका नाम था महावीर। भगवान महावीर के युग में भी लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मूक पशुओं की बलि देकर भूमि को रक्त रंजित करते तनिक नहीं सकुचाते थे। कभी कभी तो नर बलि जैसा महापाप भी कर डालते। धन के नशे में चूर धनवान व्यक्ति अपने जैसे व्यक्ति को दास बनाकर रखते थे एवं उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे। करुणा के सागर भगवान महावीर ने कहा, पुरिसा तुमन सिनाम सच्चेव जम हंतव्यम ति मन्नसि। हे मनुष्य, जरा सोच तू, जिसे मारना चाहता है वह तू ही है। अतः सबको अपनी आत्मा के समान समझो। सुख शांति का यही एक सच्चा सीधा पर सरल मार्ग है। जरा सुनिए उसी समय के आसपास घटित दिल और दिमाग को हिला देने वाली एक घटना। राजा श्रेणी की विशाल सभा जुड़ी हुई है। सम्राट अपनी सभा में आता है और मंत्री से कहता है, सुनो मंत्री जी, ये तो हम जानते हैं कि इस संसार से प्रत्येक प्राणी एक न एक दिन विदाई लेता है, चाहे राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, सेठ हो या सेनापति। अतः हे मंत्रीवर, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार ऐसा काम करूं जिससे लोगों की जबान पर मेरा नाम गूंजता रहे। कहा भी है, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। क्यों नहीं महाराज की, जो भी इच्छा हो हम उसको पूरा करने के लिए सदा तैयार है। आपके इरादे की प्रतीक्षा में है, जल्दी फरमाइए क्या आदेश है। यही कुछ निर्णय लेने के लिए मैंने आज सभा बुलाई है। कहिए मंत्रीवर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। स्वागत स्वागत महाराज, आपका चिंतन बहुत श्रेष्ठ है। आप अपना कुल का नाम रोशन करने वाले। मैं तो आपको एक छोटा सा तालाब बनाने की सलाह देता हूँ, जहाँ सैकड़ों पति अपनी प्यास बुझेंगे और पशु पक्षी आके एफएम में गीत गाएंगे। सभी ने अपने अपने विचार राजा श्रेणी के सामने रखे। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और निर्णय देते हुए राजा ने कहा, आप सब लोगों की बात मैंने ध्यान से सुनी। अब मैं अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नगरी के उत्तर भाग में एक सुंदर भव्य आलिशान भवन का निर्माण कराऊँ। वह गगनचुंबी भवन 7 पीढ़ी तक मेरी यशो पताका फैलाता रहे। क्यों है ना मेरी बात ठीक। राजा की इच्छा अनुसार भवन की योजना बनी, पूरी तैयारी के साथ साथ निर्माण कार्य संपन्न हुआ। किंतु जो ही उद्घाटन की मंगल वेला आई कि बना बनाया महल मिट्टी में मिल गया। राजा सैनिक मंत्री को पास बुलाकर सारी बात पूछने लगे। मंत्री जी, मेरी इच्छा अनुसार बना बनाया महल कैसे ढह गया? क्या सीमेंट की जगह धूल मिला दी थी या चूने की जगह घड़ा? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा काम मेरे सामने हुआ, किसी ने भी प्रलोभन में ऐसी मिलावट नहीं की है। और क्या कहूँ, मंत्री द्वारा पूरी सजगता से दूसरी बार फिर कार्य प्रारंभ हुआ। जो ही महल बनकर संपन्न हुआ, उसी समय पुनः धराशाही बन गया। तीसरी बार, चौथी बार और ऐसे करते करते 7वीं बार गिर पड़ा और अब राजा चिंतित मुद्रा में सोचता है।
पता नहीं क्या हो गया इस महल को, क्या मेरी कल्पना अधूरी ही रहेगी? गिरने का कारण भी समझ में नहीं आता, क्या करूं, किसे कहूं, कहां जाऊं, कुछ समाधान नहीं मिलता। जय हो मगध सम्राट राजा श्रेणिक की, आपके पुण्यदय से आज समस्या का समाधान मिल गया। कैसे कैसे, शीघ्र बताओ, क्या समस्या का समाधान मिल गया? राजन, बहुत दूर से आए ज्योतिष ने सारा रहस्य खोल दिया। उसने कहा है कि देवी को प्रसन्न किए बिना ये काम नहीं हो सकता, अतः एक बच्चे को आग में डालकर उसकी हड्डियां महल की नींव में भर दो, बस हो गया अपना काम संपन्न। मंत्री, जल्दी करो इस काम को, इसे आज ही पूरा करो। इस विशाल नगरी में जो भी 32 लक्षण वाला अच्छा लड़का मिले उसे पकड़ कर ले आओ। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे कौन रोक सकता है, क्योंकि मैं हूँ भगवान महावीर का पहला भक्त, मगध देश का महाप्रतापी सम्राट श्रेणी। कौन नहीं जानता मेरा नाम? नहीं नहीं मगध, ऐसे जल्दी में काम करना अच्छा नहीं है, धैर्य से काम लो। अतः आप नगर में घोषणा करवा दो कि जो अपने पुत्र का हवन के लिए देगा उसे उसके बारे में सुना दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, पूरे नगर में यह उद्घोषणा करवा दो। राजा का संकेत पाकर मंत्री के साथ दो व्यक्ति बच्चे की खोज में इधर उधर घूमते हुए नगर में उद्घोषणा कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले सुनो, जो भी अपने बच्चे को हवन के लिए देगा उसके उसके बराबर सोना दिया जाएगा। नगरी में घूमते घूमते दो व्यक्ति ब्राह्मण नंददेव के सामने आते हैं। राजा की घोषणा सुनकर ब्राह्मण नंददेव अपनी पत्नी से कहता है, अमर की माँ, अरे ओ अमर की माँ, सुनो सुनो, राजा ने यह घोषणा करवाई है कि जो कोई अपना बच्चा हवन के लिए देगा उसे उसी के बराबर का सोना दिया जाएगा। हाँ हाँ ब्राह्मण देव, यह तो मैंने भी सुन लिया, अब आगे कहो, क्या कहना चाहते हो? सुन दे, अपने घर में सात बेटे हैं, सात, छोटू मोटू रामू श्यामू फालू घोलू, देख वैसे भी खाने के लिए पूरा पेट भी नहीं पलता, फिर क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए। सात बेटे नहीं तो छह ही सही, जीवन भर मौज बनाएंगे मौज, क्यों है ना तैयार? क्या कहा ब्राह्मण देव आपने, नहीं नहीं, फिर ऐसी बात मुंह से मत निकालना, भला अपनी आंखों का तारा, जीवन का सहारा, प्रिय लाडले बेटे को कोई ऐसे दे सकता है? छी छी, कैसी नीचता है, भला पशु पंखी भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और हम सोने के लोभ में आकर अपने बच्चे को बेचते। खबरदार, आपको अगली बार ऐसी जबान निकाले तो भगवान की कसम आपको। जा जा, कौन पूछता है तुमको, शीघ्र चली जा और घर में बैठ, क्या नहीं करवाया करता इंसान को भूखा पेट, मैं एक न मानूंगा तेरी, है मेरा पूरा अधिकार, चम चम करके सोने से छा जाएगी मौज पार। अमर की माँ, तू क्या जाने इस गैर तत्व को, भूखे भजन न हो गोपाल, ये लो कंठी ये लो माला, अमर की माँ यह काम अवश्य होगा, अभी जाता हूँ और यह काम अवश्य करके रहूंगा। पांचवा लड़का अमर कुमार 32 लक्षण संपन्न मंत्री के द्वारा चुन लिया गया और ब्राह्मण के लड़के के बराबर सोना ब्राह्मण को दे दिया जाता है। बच्चा अमर कुमार सिसकियां भर भर कर माँ को कहता है, पापा माँ देखो हत्यारे मंच को मार देंगे, मेरी प्यारी माँ आज तो मुझे बचा ले, तेरा ऐसा जीवन भर नहीं पिलूंगा, माँ प्यारी माँ मुझे को या फिर तू बचा ले, सीने में जब
कहना ही बेकार है, नारी का अस्तित्व समूचा हाँ हाँ नर के हाथों में। कहता अरदागिनी को दासी थरा क्यों धोती बातों में, भरा क्यों धोती बातों में, छल से भरा हुआ झूठा सब प्यार है। बातें कहीं समझाई मैंने किंतु एक नहीं मानी, किंतु एक नहीं मानी। लोभ पिशाच सवार हुआ सिर कर रहे यह मनमानी, कर रहे यह मनमानी। बेटा अमर कुमार, मैंने तो तेरे पिताजी को बहुत समझाया बेटा, पर वो लोग में अंधे हो गए हैं। बेटा तू जा, तू अपने पिताजी को समझा ले। हे भगवान, भगवान में सद्बुद्धि दे। पिताजी, 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 आपको बोल क्यों नहीं रहे हो? मौन कर रहे क्यों पूछे पिताजी? अमर पूछना चाहता है, मुझे मारने सब रहे कि क्यों तरस तुमको आता है, तरस तुमको आता है। दया करो मत पीछा कर, पुकार पुकार है मात पिता ही बच बच्चा के मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं अब जबान बदलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यह जबान नहीं लोहे की शमशीर है। कुछ कह दिया वह पत्थर की लकीर है। अरे अरे पापियो पापियो, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। मैं अपनी माँ के बिना खाना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता। राजपुरुष रोते चिल्लाते अमर कुमार को ले जाते हैं। बच्चा छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, मार्ग में दर्द भरी आवाज श्रोताओं के दिल को दहला रही है। और पापा ने तो मुझे बेच दिया, अब आप लोग में से कोई आओ और मुझे बचाओ। आओ कोई आओ, आगे दिमाग की कहानी।
अमर कुमार को लेकर राजमहल में पहुंच जाते हैं। अमर कुमार की दर्द भरी आवाज रानी चेलना के कानों में पड़ी और रानी चेलना सोचने लगी, अरे तो मुझे कहाँ लेके आ गए? मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे यह बालक कौन रो रहा है? इसकी करुण पुकार सुनकर मेरा कलेजा फट रहा है। देखो तो सही, यह कौन रो रहा है? रानी ने सारी बात की जानकारी ली और रानी स्वयं राजा के पास आई और राजा को समझाते हुए कहने लगी, स्वामी एक थोड़ी सी जीवन के लिए महान है, जरा सोचिए विचार कीजिए, आप प्रजा के पिता हैं, इस नन्हे बालक की जान लेकर क्या आप अमर बन जाएंगे? इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, आने वाला युग आपको धिक्कार देगा, इसलिए आप मेरी बात मानकर इस नन्हे मुन्ने बालक को छोड़ दीजिए। प्राणों के देव सुनो मेरी वाणी, चंद दिनों की है जिंदगानी, चल चल घटती आयो जैसे अंजन का पानी, चंद दिनों की है भर दिया और खुद भी बच गया।
और अभी भी मेरे बेटे को नहीं जला सकी। चल चल बेटा, शीघ्र से घर चल, तेरी माँ वहाँ बैठे बैठे आंसू बहा रही है। नहीं नहीं पिताजी, अब मैं आपके झूठे प्यार में फंसने वाला नहीं हूँ। जब मैंने आपको रोकर पुकारा था, तब आपकी ममता कहाँ से हो गई थी? तब आपका प्यार कहाँ चला गया था? अब मुझे पता चल गया है कि सर्वम गुरु तेरा जीवन जीवन रक्षा करने वाली रानी माँ के पास चला गया एवं चरणों में शीश झुकाकर माँ रानी से कहता है, मुझे महामंत्र सिखाने वाली रानी माँ, अगर तेरी ममता का अमृत मुझे यहाँ नहीं मिलता तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती। बता माँ, अब इस मंत्र का अर्थ क्या है और मैं कौन से देव की उपासना करता, उस समय मेरे रक्षा करने वाले कौन से देव थे? बेटा, जन्म मरण की ज्वाला को मिटाने वाले भगवान महावीर है, वे ही असहायों के सहायक है, तो उनकी शरण में जा और उनकी उपासना कर। अगर तू नहीं जानता तो चल मैं बताती हूँ। देखो, ये है देवादिदेव भगवान महावीर से। मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार उतारने के लिए संयम दे रहा हूँ। करे भी बंदे सामयम सावचम जोगम बचखामी जाम नियमम मोत्तम एकम पजुआ सामी दुवी हम तीवी हेरम न करे मी न करवे मी मन सा वायस कायसा तस बंदे पड़ी घुमावी जिंदा। जिंदगी न केवल सांसों का खजाना है, जिंदगी न केवल सांसों प्रभु का